हे फ्रेंड्स, वेलकम टू दैट संकल्प। दोस्तों, मैं प्रिंस महेश्वरी। जैसे कि हमारी करंट अफेयर्स की वीकली लेक्चर सीरीज चल रही है, तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारे मई वीक के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, ठीक है जी। और हमारे मई के ऑलरेडी जो पहले 3 वीक्स हैं उसकी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे मई के 4th वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो देखते हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कुछ इंपॉर्टेंट है, क्या हमारे अपकमिंग एग्जाम्स में आने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट विद द करंट अफेयर्स मई 4th वीक। रिसेंटली विच कंट्री हैज बिकम 99 मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है जी। कौन सा देश है जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका हेडक्वार्टर भारत में है जी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, गुरुग्राम में, गुरुग्राम में है, ठीक है। इसकी 99th मेंबर कंट्री कौन सी बनी है, तो ऑप्शन देखते हैं, स्पेन, मोरक्को, अल्जीरिया या ब्राजील। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्पेन, ठीक है जी। स्पेन 99th कंट्री है जिसने इसके चार्टर को रेटिफाई किया जी, ठीक है, जिसने साइन किया और रेटिफाई किया। वैसे ओवरऑल 120 मेंबर कंट्रीज हैं या मेंबर्स हैं जो इसे ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन 99th कंट्री स्पेन है जिसने इसे रेटिफाई किया, ठीक है जी। अगला देखते हैं, रिसेंटली वेयर वॉज द फर्स्ट एशियन रिले चैंपियनशिप 2024 हेल्ड, ठीक है। पहली एशियन रिले चैंपियनशिप 2024 की कहां पे हुई थी, तो ऑप्शन देखते हैं, बेरूत, लेबनन, बैंकॉक, थाईलैंड, बीजिंग, चाइना या न्यू दिल्ली, इंडिया। तो दोस्तों, का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बैंकॉक, थाईलैंड। बैंकॉक क्या जी, कैपिटल है थाईलैंड की, राइट, थाईलैंड की करेंसी है बाट। अगला देखते हैं, अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट बाय द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, विच स्टेट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ गैंगेटिक डॉल्फिन्स इन इंडिया, भारत की कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा डॉल्फिन्स पाई जाती है, गैंगेटिक, जो गंगा नदी में पाई जाने वाली, ठीक है जी। जो गैंगेटिक डॉल्फिन्स है, ये क्या है, हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल, ठीक है, पानी में पाए जाने वाला एनिमल, नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। इसका साइंटिफिक नेम कई बार एग्जाम में पूछा जाता है जी, इसका साइंटिफिक नेम है प्लैटेनिस्टा गैंगेटिका, प्लैटेनिस्टा गैंगेटिका। और ये कौन सी स्टेट में पाई जाती है, देखते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार या मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा जो गंगा नदी में पाई जाने डॉल्फिन्स हैं वो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है जी। अगला देखते हैं, शैलो एक्वीफर मैनेजमेंट मॉडल रिसेंटली लॉन्च इन तेलंगाना इज अ पार्ट ऑफ विच स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। दोस्तों, जो शैलो एक्वीफर मैनेजमेंट मॉडल है, इसमें क्या है जी, कि शैलो बोरवेल्स किए जाएंगे, ठीक है, जो कम गहरे बोरवेल्स होंगे, किस चीज से, ताकि जो ग्राउंड वाटर है उसे रिचार्ज किया जा सके, जो रेन वाटर को ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट किया जा सके, रेन वाटर को ग्राउंड वाटर रिचार्ज मैनेजमेंट के तहत, ठीक है, शेलो बोरवेल्स किए जाएंगे जिसके थ्रू पानी को प्रिजर्व या कंजर्व किया जाएगा, ठीक है जी। तो ये मॉडल लॉन्च हुआ तेलंगाना में, ठीक है, और इस मॉडल, ठीक है, ये जो मॉडल है ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर है जी, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो ये कौन से स्कीम के तहत है, ऑप्शन देखते हैं, स्मार्ट सिटीज मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, अमृत दैट इज अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन या नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी, अमृत, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, इसके तहत ये शैलो एक्वीफर मैनेजमेंट किया जाएगा, राइट। अगला देखते हैं जी, रिसेंटली विच एयरपोर्ट हैज मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया टू अचीव द जीरो वेस्ट टू लैंडफिल एकोलेड, ठीक है जी, जीरो वेस्ट टू लैंडफिल, ठीक है जी। तो ये एकोलेड कौन से एयरपोर्ट के द्वारा अचीव किया गया, ऑप्शन देखते हैं, तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट या चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है जी। वेस्ट मैनेजमेंट के तहत वेस्ट टू लैंडफिल एकोलेड किसे मिला जी, तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और ये कहां पे है, केरला में, करेक्ट। अगला देखते हैं, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ T20 वर्ल्ड कप 2024
2024 T20 वर्ल्ड कप, ठीक है जी, जिसका वेन्यू है यूएसए एंड वेस्ट इंडीज मिलकर हॉस्ट करेंगी। 20 देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है जी। आपको कई न्यू टीम्स देखने को मिलेंगे इसमें, और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं दैट इज युवराज सिंह, शाहिद अफरीदी, क्रिस गेल, यूसेन बोल्ट, इन्हें ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया किसका, T20 वर्ल्ड कप 2024 का, जो कहां पे हो रहा है, जो यूएस एंड वेस्ट इंडीज मिलकर होस्ट कर रहे हैं, करेक्ट। अगला देखते हैं, विच कंट्री रिसेंटली कंडक्टेड अ सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ ASMPA सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ठीक है जी, कौन से देश ने अभी ASMPA सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो ऑप्शन देखते हैं, रशिया, फ्रांस, चाइना या जापान। सो हमारा बहुत ही अच्छा मित्र देश है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। अगला देखते हैं, रिसेंटली द वर्ल्ड फर्स्ट 100% बायोडिग्रेडेबल पेन हैज बीन लॉन्च्ड इन विच कंट्री, ठीक है जी, दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल जो पेन है, ठीक है, एनवायरमेंट फ्रेंडली पेन, ये कौन सी कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है जी। ऑप्शन देखते हैं, इंडिया, नेपाल, म्यांमार या भूटान। तो दोस्तों उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इंडिया, ठीक है जी। मुझे प्रॉपर ध्यान में नहीं है, शायद हर्ष गुप्ता करके एक लड़का है जिसने ये बनाया, लेकिन आप लोग काइंडली चेक कर लेना, मेरे को थोड़ा ध्यान आ रहा है हर्ष गुप्ता, लेकिन आई एम नॉट 100% श्योर, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर इज वर्ल्ड हाइएस्ट ऑब्जर्वेटरी बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली, दुनिया की सबसे बड़ी ऑब्जर्वेटरी आप इमेज में दे सकते हो, सबसे ऊंची, नॉट बड़ी, सबसे ऊंची ऑब्जर्वेटरी, ठीक है जी, कहां पे इनॉग्रेट हुई है रिसेंटली, तो आप इमेज में देख सकते हो ऑब्जर्वेटरी, जिससे जहां से स्पेस को, स्पेस की रिसर्च, स्पेस की स्टडीज की जाती है, ठीक है, जो हमारा स्टार सिस्टम है, जो प्लेनेटरी सिस्टम है, इसकी रिसर्च होती है, हमारे वेदर फोरकास्टिंग रिसर्च की जाती है, तो ये ऑब्जर्वेटरी आपको दिख रही है जी इमेज में, ठीक है। तो ये दुनिया की सबसे ऊंची जो ऑब्जर्वेटरी है, ये कहां पे इंस्टॉल की गई, ऑप्शन देखते हैं, चिली, इक्वाडोर, पेरू या यूरुग्वे। तो करेक्ट आंसर है जी इसका ऑप्शन ए, चिली, ठीक है जी, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, चिली, चिली की कैपिटल है सेंटियागो। और ये जो ऑब्जर्वेटरी है किसने इंस्टॉल की है, यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो में, इंस्टॉल्ड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो, जापान की यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो ने इंस्टॉल की है, ठीक है जी। और चिली जो है ये नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, दुनिया का सबसे लंबा देश है जी, दिस इज द लॉन्गेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, नॉर्थ से साउथ की तरफ अगर हम देखें तो ये दुनिया का सबसे लंबा देश है कौन सा, चिली, दिस इज लॉन्गेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, करेक्ट। अगला देखते हैं, हाउ मेनी ग्रेट इंडियन बस्टर्स वर स्पॉटेड ड्यूरिंग द एनुअल वाटर होल सर्वे रिसेंटली कंडक्टेड इन द नेशनल डेजर्ट पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, ठीक है, डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान, डेजर्ट नेशनल पार्क में अभी रिसेंटली सर्वे हुआ, ठीक है जी। तो कितने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स पाए गए हैं, देखे गए हैं, तो दिस इज द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो ये बर्ड है, इट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड है, ठीक है, विलुप्त होने की कगार पे बहुत कम संख्या में बचे हैं, तो देखते हैं 63, 64, 65 या 66। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 64, ठीक है जी। तो रिसेंटली 64 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड स्पॉट किए गए हैं, राइट। अगला देखते हैं, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड थायराइड डे, वर्ल्ड थायराइड क्या है जी, आपको इमेज में दिख रहा होगा, थायराइड ग्लैंड है, ग्रंथि है जो हमारे गले में होती है जी, ठीक है, जो हमारे हॉर्मोन्स के सिक्रेशन को कंट्रोल करती है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड से एक हॉर्मोन जनरेट होता है, दैट इज थायरोक्सिन, जो इंडिपेंडेंटली हमारी हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, ठीक है जी, थायरोक्सिन। सो वर्ल्ड थायराइड डे, ठीक है, कौन सी डेट को होता है, ऑप्शन देखते हैं, 25th में, 26th में, 27th में, 28th में। उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 25th में को होता है थायराइड डे, ठीक है जी। थायराइड एक डिजीज है जो काफी तेजी से फैल रही, काफी ज्यादा लोगों में पाई जाती है, ठीक है जी, जिसके कारण वेट लॉस या वेट गेन जनरली देखने को मिलता है, ठीक है जी। सो इससे क्या जो हॉर्मोन्स हैं वो डिसबैलेंस हो जाते हैं। सो वर्ल्ड थायराइड डे कब होता है जी, 25th ऑफ मे को, राइट। अगला देखते हैं, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व भारत के कौन से राज्य में है। तो ऑप्शन देखते हैं, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ओडिशा या गुजरात।
दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए तमिलनाडु, ठीक है जी, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन जिमनास्ट टू विन अ गोल्ड मेडल एट द 2024 एशियन जिमनास्टिक चैंपियनशिप, ठीक है जी, कौन से भारतीय जिमनास्ट हैं, स्टार प्लेयर हैं, जिन्होंने 2024 में, ठीक है, गोल्ड मेडल जीते जी, किसमें, एशियन जिमनास्टिक चैंपियनशिप में। ऑप्शन देखते हैं, दीपा करमारकर, प्रणति नायक, रुचा दिवेकर या कल्पना देवनाथ। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए दीपा करमारकर, ठीक है, हमारी ओलंपिक प्लेयर हैं, ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर चुके हैं दीपा करमारकर, इन्हें द वर्ल्ड क्लास प्लेयर का भी टाइटल मिला था, ठीक है जी, तो दीपा करमारकर को मिला गोल्ड मेडल, राइट। अगला देखते हैं, रिसेंटली विच इंडियन पीस कीपर रिसीव द यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर फॉर 2023 अवार्ड, राइट। तो पीस कीपर क्या है जी, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन के अंडर, ठीक है, जो कुछ अफ्रीकन कंट्रीज या डिस्टर्ब नेशंस में जो यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस काम कर रही हैं, जिसमें भारत के बहुत सारे सोल्जर्स काम कर रहे हैं, मेल फीमेल दोनों, तो ये हमारी भारत के सोल्जर हैं, ठीक है जी, हमारे भारत का प्राउड है, जिन्हें यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से नवाजा गया। तो इनका नाम क्या, ऑप्शन देखते हैं, लक्ष्मी सहगल, राधिका सेन, सोफिया कुरेशी या प्रिया झिंगन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी राधिका सेन। और जो ये अवार्ड प्रेजेंट कर रहे हैं ये क्या, यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल, जिनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट देखते हैं, निशी ट्राइब रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज द लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप ऑफ विच स्टेट, निशी ट्राइब भारत की कौन सी स्टेट में पाई जाती है। तो ऑप्शन देखते हैं, असम, बिहार, अरुणाचल या मिजोरम, ठीक है, तो करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल की कैपिटल है ईटा नगर। डन, अगला देखते हैं जी, रिसेंटली हाउ मेनी नेशंस हैव साइंड द जीरो डेब्रिस चार्टर एट द यूरोपियन स्पेस एसोसिएशन एंड यूरोपियन यूनियन स्पेस काउंसिल, ठीक है जी। तो सारी कंट्रीज जो मेजर स्पेस ऑर्गेनाइजेशन हैं, धीरे धीरे सारे डेब्रिस फ्री स्पेस की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि स्पेस में बहुत डेब्रिस, बहुत मलबा इकट्ठा हो चुका है, ठीक है, जो हमारी सैटेलाइट्स जाती हैं, रॉकेट्स जाते हैं, उनका बहुत मलबा इकट्ठा हो चुका है स्पेस में। तो कितने यूरोपियन कंट्रीज हैं, कितने देश हैं जिन्होंने चार्टर साइन किया है कि स्पेस को जीरो डेब्रिस, है ना, डेब्रिस फ्री बनाना है। तो ऑप्शन देखते हैं, 11, 12, 14, 15, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 12, करेक्ट। अगला देखते, माउंट मुंगालो रिसेंटली सीन इन द न्यूज ड्यू टू लैंडस्लाइड इज लोकेटेड इन विच कंट्री, माउंट मुंगालो कौन से देश में, आप इमेज में देख सकते हो बहुत भयंकर तबाही आई, बहुत भयंकर लैंडस्लाइडिंग हुई है इस कंट्री में, अराउंड 2000 पीपल, कम से कम लगभग 2000, जो इनकी गवर्नमेंट का डेटा है तो उसके अकॉर्डिंग कम से कम 2000 लोग थे जो मलबे के नीचे दब गए थे, ठीक है जी। So, और ये इतनी बड़ी आपदा थी, इतने ज्यादा लोग मलबे के नीचे दब गए थे कि इस कंट्री को इंटरनेशनल कम्युनिटी से हेल्प मांगनी पड़ी, ठीक है। सो ये कौन सा देश है जो, ऑप्शन देखते हैं, ऑस्ट्रिया, पापुआ न्यूगिनिया, फिलीपींस या इटली। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी पापुआ न्यूगिनिया, जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में स्थित है, ठीक है जी। यहाँ पे है माउंट मुंगालो, जिसमें बहुत जबरदस्त लैंडस्लाइड हुई और बहुत ज्यादा लोग मलबे में दब गए, ठीक है जी। अगला देखते, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली बैंड द सेल, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स, ठीक है जी, कौन से स्टेट ने सेल, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर, ठीक है, पाबंदी लगा दी है। तो ऑप्शन देखते हैं, केरला, उत्तर प्रदेश, बिहार या तेलंगाना। तो करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी तेलंगाना, बहुत बड़ा स्टेप है जी ये, किसने लिया, तेलंगाना ने, कैपिटल है हैदराबाद, सीएम है रेवंत रेड्डी, चीफ मिनिस्टर कौन है जी, रेवंत रेड्डी। अगला देखते, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली इशूड एन ऑर्डर टू फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन टू प्लांट यूकेलिप्टस ट्रीज फॉर इट्स फाइनेंशियल सस्टेनेंस इन 2024-25, ठीक है जी। तो देखो, जो वैसे यूकेलिप्टस ट्रीज है, इन एनवायरमेंट के लिए अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है जी, बिकॉज ये बहुत ज्यादा पानी सक करते हैं, बहुत ज्यादा, प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत ज्यादा पानी पीते हैं जी, ठीक है। इवन जहां पे बहुत ज्यादा
उगाए जाएं या जहाँ पे बहुत ज्यादा खेती होती हो यूकेलिप्टस की, जिसे हम हिंदी या पंजाबी में सफेदा बोलते हैं, ठीक है, काफी टॉल ट्रीज होते हैं ये, ठीक है जी। तो वहां पे क्या है, हम देखते हैं कि ग्राउंड वाटर जो टेबल है वो डाउन हो जाता है, ग्राउंड वाटर लेवल डाउन हो जाता है, ऐसे क्या बोलते हैं, सफेदा, ठीक है जी। सो यूकेलिप्टस क्या है, ये दुनिया का टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म ट्री है, दुनिया का टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म ट्री है। एंजियोस्पर्म ट्री वो होता है जिसका सीड फ्रूट के अंदर होता है, ठीक है जी। लेकिन कौन से स्टेट है जिसने अपने फाइनेंशियल सस्टेनेंस के लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है, तो इसके लिए इनको उगाने के लिए बोला है किसको, फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को, ठीक है जी। तो ऑप्शन देखते हैं, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड केरला। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी, केरला, ठीक है। अगला देखते हैं, रिसेंटली वेयर वॉज द एशियन आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 हेल्ड, ठीक है। एशियन आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 कहाँ पे, जिसे हम पंजाबी बोल देते हैं अपनी लोकल भाषा में, ठीक है, देसी लैंग्वेज में। तो ऑप्शन देखते हैं, न्यू दिल्ली, अस्ताना, ताशकंत या बीजिंग। तो करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी, ताशकंत, जो कि कैपिटल है उज्बेकिस्तान, ठीक है जी। अगला, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिसेंटली फाउंडेड द नियोलिथिक एज रॉक कार्विंग्स इन विच स्टेट। एंशियंट हिस्ट्री में तीन एजेस हुई हैं जी, पेलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। जो सबसे बाद वाली नियोलिथिक एज, जिसमें आके ह्यूमंस मॉडर्न हो गए, सिविलाइजेशंस देखने को मिले, बर्तन देखने को मिले, है ना, खेती स्टार्ट हुई। तो इस एज की जो रॉक कार्विंग्स हैं, ठीक है, वो रिसेंटली कौन सी स्टेट में डिस्कवर की गई है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ऑप्शन देखते हैं, गोवा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या उड़ीसा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, गोवा। नेक्स्ट, प्रवा, प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन पोर्टल रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लॉन्च बाय विच इंस्टीट्यूशन। प्रवा पोर्टल देखते हैं इनमें से कौन से इंस्टीट्यूशन ने लॉन्च किया, आरबीआई, एसबीआई, नाबार्ड या सेबी। तो करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, गवर्नर है शक्तिकांत दास। तो प्रवाह पोर्टल क्या है जी, तो न्यू टेक्नोलॉजीज हैं, एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है जी, और कस्टमर्स को जो घर बैठे सर्विसेज, ऐप बेस्ड सर्विसेज, ठीक है, उनकी शिकायतों का जल्दी समाधान हो, तो इन सारी चीजों को एक सिंगल पोर्टल पे सेटअप किया गया है जिसका नाम है प्रवाह। और ये किसने सेटअप किया जी, आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, ठीक है जी। हेडक्वार्टर मुंबई में, गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। अगला देखते हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड रिसेंटली साइंड एन एमओयू विद विच आर्म्ड फोर्स ऑफ इंडिया टू प्रमोट हाइड्रोजन एंड फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी। ऑप्शंस आर इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स या इंडियन कोस्ट गार्ड। करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, इंडियन आर्मी। भारतीय सेना के साथ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने एक एग्रीमेंट साइन किया है कि वो हाइड्रोजन और फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने में उनका सहयोग देंगे, ठीक है जी। रुद्रम टू, एयर टू सरफेस मिसाइल रिसेंटली सीन इन न्यूज इज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। जो ये रुद्रम टू मिसाइल है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है, एंटी रेडिएशन मिसाइल, ठीक है। इसका काम है एनिमी कंट्रीज के रडार स्टेशन, रेडियो स्टेशन, उनके इंस्टॉलेशन, वेपन इंस्टॉलेशन, उसको डिस्ट्रॉय करना, ठीक है जी। सो रुद्रम टू एयर टू सरफेस मिसाइल को बनाया है जी डीआरडीओ, आईएसआरओ, जाक्सा या ईएसए। तो करेक्ट आंसर है जी, इसे बनाया ऑप्शन ए, डीआरडीओ ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। अगला देखते हैं जी, रिसेंटली फिकी ऑर्गेनाइज कोल्ड चेन एंड लॉजिस्टिक समिट एट विच प्लेस। फिकी क्या है जी, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है जी। हमारी भारतमाला प्रोजेक्ट के अंदर ही हम कोल्ड चेन एंड लॉजिस्टिक फैसिलिटीज के ऊपर काफी जोर दे रहे हैं, यूनियन गवर्नमेंट है कोल्ड चेन फैसिलिटीज के ऊपर बहुत ध्यान केंद्रित कर रही है, ठीक है जी। और आने वाले देश में 10 सालों में इंडिया में काफी कोल्ड चेन फैसिलिटीज हमें देखने को मिलेंगे। तो फिक्की का जो ये समिट है ये कहाँ पे हुआ जी, ऑप्शन देखते हैं, हैदराबाद, न्यू दिल्ली, चेन्नई या बेंगलुरु। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली। डन, अगला लिखते, रिसेंटली विच इंडियन स्पेस स्टार्टअप सक्सेसफुली लॉन्च अग्निबान
सब ऑर्बिटल रॉकेट, ठीक है जी। अग्निमान क्या है? रॉकेट है, ठीक है। ये कौन से भारत की प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप है जिसने इसे सक्सेसफुली लॉन्च किया? तो ऑप्शन देखते हैं, एस्ट्रोगेट लैब्स, बेलाट्रिक्स एरोस्पेस, ध्रुवा स्पेस या अग्निकुल कॉस्मोस। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अग्निकुल कॉस्मोस, ठीक है जी। कहाँ की कंपनी है? तमिलनाडु। नेक्स्ट देखते हैं जी, व्हाट इज के नाइन बज, रिसेंटली सीन इन न्यूज। के नाइन बज क्या चीज है जी? भारत में डेवलप की गई है और काफी कंट्री से हमारी ऑलरेडी डील्स भी चल रही हैं और नेगोशिएशन चल रही हैं के नाइन बजर की सेल के लिए, ठीक है जी। तो ऑप्शन देखते हैं, सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी सिस्टम, न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन, 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक इंजन या एस्टोरॉयड। दोस्तों जो के नाइन बज रहा है ये क्या जी? ऑप्शन ए, सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी सिस्टम। आर्टिलरी होता है तोप खाना, ठीक है जी, इसे हम क्या बोलते हैं? तोप खाना, ठीक है। तो ये आर्टिलरी गन्स है 155 mm की, ठीक है। तो इसे भारत में बनाया गया, ठीक है जी। सो ये क्या है? हमारी आर्टिलरी गन्स। नेक्स्ट, हु इज रीअपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन कौन रीअपॉइंट हुए हैं? इन्हें 1 ईयर की एक्सटेंशन दी गई है, 1 साल की एक्सटेंशन दी गई है। तो ऑप्शन देखते हैं, समीर बी कामत, ए एस किरण कुमार, एस सोमनाथ या सुभ्राता रक्षित। करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, समीर बी कामत, ठीक है जी। नेक्स्ट, सागा दावा फेस्टिवल बिलोंग्स टू विच इंडियन स्टेट? जो सागा दावा फेस्टिवल है, ठीक है, कल्चरल फेस्टिवल है, ये भारत की कौन सी स्टेट में मनाया जाता है? ऑप्शन देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, असम या सिक्किम। करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी, सिक्किम। और ये खास करके बुद्धिस्ट कम्युनिटी सेलिब्रेट करती है, जो तिब्बतन बुद्धिस्ट कम्युनिटी है उनके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ पे? सिक्किम में सागा दावा फेस्टिवल, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है। So, दोस्तों ये थे हमारे May 4th week के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और जल्द हम मिलेंगे नेक्स्ट मंथ जो हमारे जून मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ, और बाकी जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस रहेंगी उन सब के साथ, ठीक है। तो वीडियोस को लाइक कीजिए, वीडियोस को अच्छे से सुनिए, अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। कर भला हो भला, तो बहुत जल्दी मिलते हैं।